input and output of a system. Input or output of a system, इनमें हम system के दो important variables को discuss करेंगे. एक वो जो system में inflow कर रहा है और दूसरा वो जो system से outflow कर रहा है. Input of a system is any signal, parameter, information that flow into a system. System में in हो रहा है, जो system को signal दे रहा है, and that can be manipulated independently. This object or parameter or signal or voltage or pressure, it will be the input of a system. Output जो होता है, output is a signal or the information or any other thing which is flowing out of the system or jiske upar jo aur wo jo hai input ke upar processing ki wajah se jo produce hua hai usko kehte hain output. So output is basically the result of the processes taking place on the input. So it is the result of that processing on the input. Both input and output can be materials, flows, voltages, pressures, temperatures, or any other biological signal to the system. So, physically या non-physically ये कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो या system में in कर रही है या out कर रही है. The input and output is depicted by a physical quantity. Which is usually to be measured, being measured, जिसको measure किया जा रहा है, वो तो उसको basically हम measurement कहते हैं. तो जो input और output की जो physical उसको हम measure करें, तो उसको हम measurement कहते हैं कि measurement system का क्या होगा. There are various measurement accessibility sites in a physical system. For example, it may be something internal to the body. A measurement site may be internal to the body, ke body ke inside ho. Ya it may be external to the body, body surface par ho sakta hai, ya usse bahar ho sakta hai. Emanating from the body, for example, radiations ke form mein emanating ho, ya extracted tissues, sewers, or any other biological signal. इस तरह के कोई साइट्स बॉडी में हो सकते हैं. सो मेजरिंग एक्सेसिबिलिटी साइट्स जो है वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के डिफरेंट हो सकते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग एक्सेसिबिलिटी साइट्स. बायोलॉजिकल सिस्टम जो होते हैं वो या नेचुरल सिस्टम जो होते हैं वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू सम इनपुट. उस इनपुट को वो सिस्टम लेता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और उसके रिस्पॉन्स में वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है. अब देर आर वेरियस फैक्टर्स विच कॉम्प्लिकेट द चॉइस ऑफ बायोलॉजिकल इनपुट एंड आउटपुट. स्पेशली ये जब हम फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग की बात करते हैं तो इसमें इनपुट और आउटपुट का जो चॉइस है वो सिस्टम को कॉम्प्लिकेट कर सकता है. यहाँ पे हम स्पेशली फोकस करेंगे जब मेडिकल टर्म्स में, जब फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग की बात हो रही है तो मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ज़्यादा आसानी से हम मेजरेंट्स कॉम्प्लिकेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मेडिकल सिस्टम्स या फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग में कुछ जो हमें प्रॉब्लम्स फेस होते हैं वो ये होते हैं कि अगर हम इसको लेट सपोज कंपेयर करते हैं किसी नॉन फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग में या किसी इंडस्ट्री के मॉडलिंग से या किसी और नॉन नेचुरल सिस्टम के मॉडलिंग से, तो जो मेजरमेंट आमतौर पर वहाँ पर होते हैं वो बिग होते हैं, वो लार्जर क्वांटिटीज होती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी सर्किट में करंट को देखा जाए तो करंट जो है वो वोल्टेज में या बड़े क्वांटिटीज में इन आउट हो रहा है, या जो सिग्नल जा रहे हैं वो बड़े क्वांटिटीज में जा रही है. यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेशन एक ये भी होगी कि जो इनपुट और आउटपुट जा रहा है दे आर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. इतने स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं कि कभी कभी वो इग्नोर भी हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट जो है उसकी एक्टिवेशन जितना वोल्ट ले रहा है दे आर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, 0.0 समथिंग वोल्ट का करंट पास किया जा रहा है. लेकिन अगर हम किसी
अपने इलेक्ट्रॉनिक किसी दूसरे सर्किट में देखे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे 220 वोल्ट का करंट पास हो रहा है, सो दिस इज अ बिग क्वांटिटी, 0.0 समथिंग क्वांटिटी का वोल्ट पास होगा, तो उसकी मेजरेंट या मेजर करने में हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. या फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कोई सिग्नल पास हो रहा है किसी नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो वो सिग्नल भी उसकी फ्रिक्वेंसी लार्जर क्वांटिटी में हो सकती है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में हम देखें अगर कोई फ्रिक्वेंसी में सिग्नल पास किया जा रहा है तो यूजुअली दीज आर इन रेडियो फ्रिक्वेंसीज, सो अगेन देयर आर कॉम्प्लिकेशंस इन मॉडलिंग. और कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, कुछ ऐसे भी मेजरमेंट्स हो सकते हैं कि वो हमें इनएक्सेसिबल हो, और जब अगर वो हमें इनएक्सेसिबल होंगे तो फिर अगेन उनको मॉडल करने में बहुत ज़्यादा हमें हर्डल्स और प्रॉब्लम्स होंगे. तो फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग में इस तरह के मेजरमेंट्स का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और सिस्टम को इन डिटेल उसकी ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि उसके जो मेजरमेंट्स है कौन कौन से मेजरमेंट्स का लेना ज़रूरी है, और उन मेजरमेंट्स को अगर हम लेंगे तो किस लेवल के ऊपर उसको मॉडल किया जाएगा, या उसको कलेक्ट किया जाएगा, या तो उसकी इनपुट होगी वो किस लेवल की होगी, और आउटपुट वो हमें किस लेवल की प्रोड्यूस करेगा. ऐसा ना हो कि हम एक्सपेक्ट करें कि कोई बड़ी क्वांटिटी हमें आउटपुट में कोई बिग क्वांटिटी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और वो कोई ऑडियो फ्रिक्वेंसी लेवल के ऊपर हमें सिग्नल दे रहा है और हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे. सो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का भी फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग में हम ज़रूर ख्याल रखेंगे.